A very good afternoon to all of you. I welcome you back to my channel, that is Venus Law Classes. So guys, before I start with today's video, I want to share one thing, a very important thing with all of you. Guys, I am taking evidence law lectures and that are totally free of cost. So पहले लेक्चर हमारा लाइव होता है. Whoever wants to join live, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आफ्टर द लेक्चर आई प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो. सो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं. हम काफी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बात करते हैं एविडेंस लॉ के इन क्लासेस में. सो हुएवर इज इंटरेस्टेड, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. और आपके कोई फ्रेंड्स भी अगर इंटरेस्टेड हैं एंड वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हैं, केस लॉस पढ़ना चाहते हैं, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. सो विद दिस वी स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. आर टुडेज टॉपिक इज एडमिसिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ स्निफर डॉग ट्रैकिंग एविडेंस. सो गाइज, आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा कि हम स्निफर डॉग के हेल्प से एक्यूज के अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस को क्रिएट करना चाहते हैं. सो हेल्प करता है हमें स्निफर डॉग की हमारी इन्वेस्टिगेशन में. सो अगर कोई एविडेंस आता है तो वो कितना हम क्या उसको एडमिट कर सकते हैं. अगर आपने कोई इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट लिया विद द हेल्प ऑफ अ स्निफर डॉग, क्या हम उसे एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं, कोर्ट उसको यूज कर सकती है. सो दैट इज द वन थिंग. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द पॉइंटर्स, आप ये फोर केसेस को नोट कर सकते हैं. सपोज यू आर गेटिंग अ मेंस क्वेश्चन, तो आप इसको ऐड कर सकते हो एनी ऑफ द केस. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है. सो दैट इज वाई मैंने इसको अलग से कलर किया है. सो अब्दुल रजाक मुर्तजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देन दिनेश बोरठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम. गाइस, ये आपके हरियाणा प्री में ऑलरेडी आ चुका है. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्निफर डॉग एविडेंस, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है. सो दैट इज व्हाई आई हैव कवर्ड दिस. सो स्टार्ट करते हैं कि क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं. तो कोर्ट ने इन जजमेंट्स में डिस्कस किया कि अगर हम स्निफर डॉग एविडेंस की बात करें तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं. सो कोर्ट सेड कि देयर आर थ्री ऑब्जेक्शंस व्हाइल इन द रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑफ डॉग ट्रैकिंग एविडेंस. कैसे? पहली चीज कोर्ट ने कहा कि डॉग पर से वो जाकर विटनेस बॉक्स में टेस्टिमनी नहीं दे सकता, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड. कि डॉग्स दे कैन नॉट स्टेप इन टू द विटनेस बॉक्स और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल. सो क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस. सेकेंड थिंग इज कि जो डॉग का ह्यूमन कंपेनियन है, ही हैज टू गो टू द विटनेस बॉक्स और उनको बताना पड़ेगा कि जो भी डॉग ने जो भी इंफरेंस है डॉग की हेल्प से, जैसे भी आपने एविडेंस लिया, सो वो आपको बताना पड़ेगा. द कंपेनियन ऑफ द डॉग उसको बताना पड़ेगा. सो दैट इज वाई इट इज हियर से, क्योंकि जो एविडेंस दे रहा है उस चीज को, उस फैक्ट को आपने खुद से परसीव नहीं किया. सो दैट इज वाई इट बिकम्स एन हियर से एविडेंस. सो व्हाट इज द नेचर? इट इज हियर से. और आपको सबको पता है कि हियर से एविडेंस दे आर नॉट एडमिसिबल. अगर एक्सेप्शन में फॉल करेगा, जैसे सेक्शन 6 लगा दें हम, या कुछ और अगर आपके काफी एक्सेप्शंस होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, सो देन ओनली द हियर सेज आर एडमिसिबल. अदरवाइज जनरली द आंसर इज नो. देन जस्ट बिकॉज द क्रिमिनल केसेस दे आर रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ ह्यूमन बींग, तो इसमें हम डिपेंड नहीं कर सकते कैनाइन इन्फरेंसेस पे जो डॉग एविडेंस से आपको मिलती है. सो कोर्ट ने कहा कि ऐसे एविडेंसेस में हो सकता है कि देयर इज अ केस ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द डॉग एंड इट्स कंपेनियन. तो हो सकता है कि कंपेनियन उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर ले और मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए. सो रॉन्ग इन्फरेंस ना हो इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं. मोर ओवर देयर इज नो साइंटिफिक बैकिंग कि क्या आपकी, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है कि क्या डॉग के कि ऐसी कौन सी फैकल्टीज हैं जिससे वो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर पाए करेक्टली. लास्टली कोर्ट ने कहा कि फॉर इन्वेस्टिगेशन इट इज ओके. आप कर सकते हो ऐसे अटेम्प्ट्स कि आपको हेल्प मिले इन द इन्वेस्टिगेशन, बट जुडिशरी अपना डिसीजन देते हुए
उसको यूज नहीं कर सकती एज एन एविडेंस. तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ओके, उनको जो भी मेथड ठीक लग रहा है टू रीच आउट द ट्रूथ टू फाइल द चार्जशीट, आप उसको कर सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट, आपको देखना होता है कि क्या एविडेंस एडमिसिबल है भी. तो जुडिशरी, देयर फोर दे आर राइटिंग, जुडिशरी कैन इल अफोर्ड देम. सो लास्टली, जो हमारा लॉ सेटल होता है वो क्या होता है कि जो डॉग की फैकल्टीज हैं, इट कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड. आप कह रहे हो कि जो भी स्निफर डॉग की सर्विसेज हमने ली फॉर द पर्पसेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और ये सारे जो एविडेंस है ये पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज द एक्यूज पर्सन, तो कोर्ट कहता है कि ये आप एज एन एविडेंस नहीं यूज कर सकते फॉर द पर्पसेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड. सो दिस वीडियो, इट इज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द स्निफर डॉग एविडेंस. तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट नोट एक्सेट्रा इन प्री, यू कैन एक्सपेक्ट द केसेस ऑल्सो. आपका ऑलरेडी आया हुआ है हरियाणा प्री में. सो थैंक यू सो मच फॉर द फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड केसेस. स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल. थैंक यू, बाय.